नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ टाटा नेक्सॉन। दोस्तों ये देश का वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट व्हीकल है, और इस गाड़ी का प्राइस, माइलेज, स्पेसिफिकेशन, डिटेल्स सब कुछ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैं हर दिन आप लोग के लिए नए नए वीडियो ला रहा हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो भाई चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें तो गाड़ी का डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन के मामले में गाड़ी देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है, और इस गाड़ी में आपको डुअल फ्रंटल एयरबैग्स मिलता है, और उसके साथ ब्रेकिंग के मामले में आपको ABS विद EBD भी दोस्तों मिलता है, क्योंकि गाड़ी देश का सबसे सेफेस्ट गाड़ी इसे भी दोस्तों माना जाता है। और इस गाड़ी में आपको रिवर्स पार्किंग असिस्ट भी दोस्तों मिल जाता है, और ये गाड़ी का बहुत सारे वेरिएंट ने दो कंपनी ने बनाया है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और नीचे आपके नीचे बात करें तो आपको रियर स्प्लिट LED टेल लैंप दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों टाटा नेक्सॉन में आपको बहुत सारे वेरिएंट मिलता है, और वेरिएंट के वाइज इसका प्राइस दोस्तों चेंजेस हो जाता है। और इस गाड़ी का जो बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स है, बहुत सारे खास बातें हैं, मैं आप लोग को बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों एक वो इस गाड़ी का खास बात है इसका अलॉय व्हील्स, इस गाड़ी में आपको 16 इंच का अलॉय व्हील्स मिलता है, और इस गाड़ी में आपको 209 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस दोस्तों मिल जाता है। और इस गाड़ी में आपको दो वेरिएंट का इंजन मिलता है, जो ये पेट्रोल का आपको टर्बो चार्ज 1497 सीसी का इंजन मिलेगा, जिसका पावर है 100 NPS, और टॉर्क की बात करें आपको 260 न्यूटन मीटर का दोस्तों टॉर्क मिल जाता है। माइलेज की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 21.5 किलोमीटर पर लीटर का डीजल माइलेज दोस्तों मिल जाएगा, और पेट्रोल की बात करें तो माइलेज आपको एक ही जैसे मिलेगा। दोस्तों टाटा कंपनी ने अपने गाड़ी के पीछे जगुआर स्टाइल का एक छोटा सा लोगो बनाया है, क्योंकि टाटा कंपनी ने जगुआर को खरीद लिया है, सबको दोस्तों मालूम है। पीछे दोस्तों आपको LED स्प्लिट टेल लैंप दोस्तों मिल जाता है, जो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। गाड़ी को सामने आप देखिए, या फिर आप पीछे देखिए, गाड़ी देखने में बहुत ही क्लासी लगता है। दोस्तों बात करें तो नेक्सॉन का एक्सोन प्राइस की, तो एक्सोन प्राइस इसका स्टार्ट होता है 6.16 लाख से। दोस्तों गाड़ी वेरिएंट बाय वेरिएंट इसका प्राइस डिफर हो जाता है। बात करें दोस्तों इस गाड़ी का ड्राइवर केबिन की, तो इस गाड़ी में आपको लेयर 3-टोन डैशबोर्ड मिलता है, फ्लोटिंग टॉप टॉच स्क्रीन जो कि 6.5 इंच का दोस्तों आपको मिल जाएगा। इस गाड़ी में आपको स्मार्ट के स्टार्ट पुश बटन दोस्तों आपको मिलता है, डुअल पास सस्पेंशन दोस्तों इस गाड़ी में आपको मिल जाएगा। इसके साथ दोस्तों आपको इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग के साथ मल्टी फंक्शनल आपको डैशबोर्ड दोस्तों इस गाड़ी में मिलता है। और गाड़ी का जो सीटिंग की दोस्तों बात करें, इस गाड़ी में आपको फ्लेक्सी सीटिंग भी मिलता है। दोस्तों इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, और इस गाड़ी में आपको टोटल 8 स्पीकर मिलेगा। दोस्तों इस गाड़ी में आपको मल्टी ड्राइव मोड ऑप्शन मिला है, जो कि इको मोड है, स्पीड मोड, यदि आप इको मोड में गाड़ी चलाते हैं तो आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड हाइपर ड्राइव सेल्फ शिफ्ट गियर मिलता है, और इस गाड़ी में चलाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और इस गाड़ी में आपको 6.5 इंच का फ्लोटिंग डैशटॉप टचस्क्रीन दोस्तों मिल जाता है 6.5 इंच का। और इस गाड़ी का डैशबोर्ड की बात करें तो आपको लेयर 3-टोन डैशबोर्ड इस गाड़ी में दोस्तों मिल जाएगा। और इसका जो पावर स्टीयरिंग की बात करें, इस गाड़ी में आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों इसके गाड़ी का रियर की बात करें तो गाड़ी बहुत ही स्पेसी है, बोतल रखने के लिए कंपनी ने बहुत सारे स्पेस दिए हैं। दोस्तों इस गाड़ी में आपको हाई एडजस्टेबल सीट बेल्ट दोस्तों मिल जाता है, और गाड़ी बहुत ही स्पेसियस है, और इसका सीटिंग भी आपको बहुत ही आरामदायक देगा। बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको ज़्यादा मिलता है, और पीछे भी आपको AC का ऑटोमेटिक कंट्रोल का ऑप्शन दोस्तों मिला है, जो कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। दोस्तों गाड़ी आपको कैसा लगा मुझे बताइए, यदि आपका कोई सुझाव है तो भी आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितने चाहिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं हर दिन आप लोग के लिए नया नया गाड़ी का वीडियो ला रहा हूँ।